पसीने से तर बदर हो चुका हूँ और और आज देखिए बुरी तरह से प्लाइन हो चुका है। चलिए जी, ये हमारे फौजी साहब का घर। तो आज फौजी साहब ने हमें एक बड़ा सा धोखा दे दिया है। जो भी लोग यहाँ से गुजर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि पागलों की तरह क्यों मकान के ऊपर बैठा हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं, जिस दिन हमारी मेहनत रंग लाएगी तो उस दिन यही लोग बोलेंगे कि कैसा कर रहा है हमें भी बता। आज सुबह का मौसम इधर से देखिए चारों तरफ से कोहरा लगते हुए आ रहा है और कोहरा इधर की तरफ फैल रहा है और इधर देखिए इधर से धूप निकल रही है। यही होता है उत्तराखंड का ये अद्भुत मौसम, कभी भी कैसा रंग बदल दे। तो आज फौजी साहब ने हमें एक बड़ा सा धोखा दे दिया है, सोचा नहीं था कि फौजी साहब ऐसा करेंगे। हे मेरे ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ एकदम राजी खुशी होंगे। मैं अशोक रावत स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत गांव गलियारों और पहाड़ों में। तो आज मौसम कुछ इस तरह बना हुआ है कि आधे तरफ धूप है और आधे तरफ से कोहरा आ रहा है। कब कैसे मौसम हो जाता है उत्तराखंड का किसी को भी नहीं पता चलता, कब बारिश आ जाए कब धूप आ जाए, ऐसा मौसम बना हुआ है। आज के दिन की शुरुआत कर रहे हैं हम सुबह 8:30 बजे से। चलिए जी, आज के दिन की शुरुआत करते हैं, आज आपसे कुछ नई बात करते हैं। हमारे जीजाजी मोहन सिंह नेगी ग्राम खोला और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से धीरे धीरे हमारा चैनल बड़ा होता जा रहा है। तो थैंक यू सो मच, ऐसे अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। हम उत्तराखंड की खूबसूरती आप तक अपनी वीडियो के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। और देख सकते हो आज गेमर झाड़ू भी मार रहा है सुबह सुबह। ये देखो संदू स्कूल नहीं गई, संदू स्कूल नहीं गई तुम, स्कूल नहीं गई तुम, स्कूल नहीं गई है? यह अभी सीब नियानन सीब बंद हुई चल जो डांस कर दे बात ये अब रोना कर ली बात, रोने के लिए थोड़ी बोला। चलिए जी, फौजी साहब ने आज सुबह सुबह हमें धोखा दे दिया है। उन्होंने हमसे वादा किया था कि मैं एक हफ्ते आप लोगों के साथ रहूंगा और पूरे गांव-गांव घूमूंगा, अभी मेरी छुट्टी काफ़ी है। लेकिन सुबह मैं जब उठा अचानक देखा तो फौजी साहब गायब थे और उनके पापा जी भी कब चले गए पता ही नहीं चला, तो देहरादून की तरफ निकल गए। ओ बड़ा आराम से कैल बुढ़ी नाश्ता। अच्छा, ये ताऊ जी लगे हुए हैं लकड़ी फाड़ने में, देख सकते हो के किलो फुट जो अच्छा। ये चलिए जी, ये हमारे फौजी साहब का घर और यहाँ एक नींबू का पेड़ भी है और यहाँ देख सकते हैं खेती में ताई जी ने टमाटर मूंगरी ये चीज़ें लगा रखी हैं। चलिए पूछते हैं ताई जी से कहाँ गए फौजी साहब। ए बोल ख्याल है, अब फौजी साहब चल गए भाग गया हुआ है आ? ना बताए भी न्यूएल में जाए सट जाए तो ढोला भाग गया ना सुरदा भी सुरदा भी जब गोल वो का अच्छा आंसू का टोड़ दी वेल बिहार। हाँ देखिए, इस पूरे घर में ताई जी अकेला रहती है, हमारे फौजी भाई साहब और उनके पापा जी आए थे लेकिन ताई जी कह रहे उन्होंने बताया नहीं कि तुझे। मैंने बोला नहीं जी मुझे कुछ बताया, वो सुबह सुबह निकल गए। यहाँ देख सकते हो ये पूरा मिर्ची का खेत है। देखिए जी, ये पूरा सेब का पेड़ था और ये सामने भी सेब का पेड़ था और ये देख सकते हो कभी ये
घर इतना खिलखिलाता हुआ था और आज देखिए बुरी तरह से पलायन हो चुका है, जो कि हमारे लक्ष्मण भाई जी का घर है और सामने हमारे प्रदीप भाई जी का घर है। पूरी तरह पलायन हो चुका है, लेकिन अभी भी उन्होंने ठेका दे रखा है, बहुत जल्दी से रिपेयर किया जाएगा। चलिए जी, टाइम लैप्स हमने ले लिया है, आपने देख लिया होगा कैसा उत्तराखंड का मौसम बदलता रहता है। आधे घंटे या पौने घंटे से मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ इतने से टाइम लैप्स लेने के लिए, और जो भी यहाँ से गुजर रहे हैं, जो भी लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि पागलों की तरह क्यों मकान के ऊपर बैठा हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं, जिस दिन हमारी मेहनत रंग लाएगी तो उस दिन यही लोग बोलेंगे कि कैसा कर रहा है हमें भी बता। ताई जी ने हमें एक काम सौंप दिया है, ये पूरे जो मकान का पीछे का एरिया है ये हमें साफ करना है, क्योंकि इसमें इस टाइम सांपों का डर रहता है। इसको पूरा साफ करना है यहाँ से लेके और पूरा ये सारी चीज़ें साफ करनी है, और उसके बाद फिर चाय बनेगी। चलिए जी इसे साफ करते हैं, मिलते हैं आपको थोड़ी सी देर में। चलिए जी फैमिली, पसीने से तर बदर हो चुका हूँ और काम भी ख़त्म कर दिया है मैंने, पूरा देख सकते एकदम चमका दिया है, और यही होता है पहाड़ों में, थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी ही पड़ती है। अब पूरा देख सकते हो 2 से 2.5 घंटे लगे और कमर बिल्कुल दर्द होने लग गई है, देख सकते हो कितना खूबसूरत चमका दिया है, देख सकते हो पूरा एकदम क्लियर कर दिया है, पहले कैसे था और अब कैसे हो गया, ये देख सकते हो एकदम साफ साफ कर दिया है पूरा, ये देख सकते हो मकान का पीछे का एरिया, दराती भी टेढ़ी हो गई है, ये देखो पूरी टेढ़ी हो गई है, मिट्टी मिट्टी फेंकते फेंकते, अरे अब देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो चलिए जी अब चलते हैं घर की तरफ, थोड़ा हाथ मुंह धोते हैं, ये देख सकते हो पूरा पसीने से तर बदर हो रखा हूँ, हाथ मुंह धोते हैं तो उसके बाद चाय पियेंगे। अरे एक हमारी भाभी जी हैं, तो भाभी जी हमने जो है सफाई की कैसा है, बढ़िया बढ़िया मस्त कर रखा ना, बढ़िया ये देख सकते हो भाभी जी भी खुश हो गए, बल साफ सफाई करने में एक काम करने में तो तुम उस्ताद हो, हैं? भाभी जी ने डिमांड कर दी है हमारी सफाई देखकर, कर इसे भी साफ कर दीजिए, क्योंकि इनके सामने गौशाला के आगे ये चीज़ पड़ती है, इसलिए सांप का डर बना रहता है। क्यों ये दी, अब थोड़ा हाथ मुंह धोते हैं और फिर खाने की तैयारी करेंगे दोपहर की। और मौसम देखिए वैसा का वैसा ही हो रखा है, पूरा धूप भी है और नहीं भी, इस मौसम को ऐसा कहा जाता है। चलिए जी मिलते हैं आपको थोड़ी सी देर में। तो चलिए जी फैमिली, अब हो रहे हैं 12:30 से 1 बजने वाले हैं, और मौसम देखिए बिल्कुल एकदम काला हो चुका है, और आज खाने में बना रही है भाभी जी कड़ी और चावल, कड़ी चावल बन रहे हैं, और भाभी जी कह रही थी मैं शराबियों के लिए 2 शब्द कहना चाहती हूँ। और ताई जी लगी हुई है हुक्का पीने, ताई जी इस हुक्के को आप पीते हो, इसमें कोई स्वाद वाद आता है, कैसा स्वाद होता है इसका, दारू का होता है। दारू के पीछे क्यों पड़े रहते हो, दारू पीने वाले के पीछे पड़े। अच्छा कौन पीता है दारू, दारू देखिए तो टांगे छोड़। अच्छा मतलब ताई जी कह रही हैं शराब पीते हैं, मुझे उनसे सख्त नफरत है। तो मैंने ताई जी से कहा आज की डेट में 100% में से 90% लोग शराब पीते ही हैं, शराब पीना ये नहीं, हाँ ये नहीं कह रहा मैं आप मत पियो, पियो लेकिन उतनी पियो कि जो दवाई के रूप में डॉक्टर कहते हैं ना जैसे, वैसे ही पीना चाहिए, ज़्यादा भी ये चीज़ें खराब होती है। कढ़ी चावल होंगे तैयार, और उसके बाद कढ़ी चावल खाएंगे, फिर यह वीडियो मुझे अपलोड भी करनी है। आई होप कि आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फैमिली मेंबर के साथ, दिखाइए हमारे उत्तराखंड की खूबसूरती अपने फैमिली यार दोस्तों को। मैं अशोक रावत मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड एंड लव यू ऑल।